वो वक्त था जब उसने अंधेरे में उससे अपने सामने खड़े हुए देखा। एन उसके सामने बेड की पायनती की जानिब अपने बाल खोले खड़ी एक अजनबी लड़की यकीनन अजनबी थी, सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल खामोश खड़ी वो लड़की से घूर रही थी। ओनाइन ने चाहा बेड से छलांग लगाकर दरवाज़ा की समत भाग जाए, मगर उसका वजूद जैसे किसी ने अपने हिसार में ले रखा था। ओनाइन को तो अपने बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी विद ज़की। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी ने ओनाइन की नींद ख़राब कर दी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने कमरे में अंधेरा करके सोने की आदि थी। लेकिन जब हुसूल के शौक़ ने उसे लाहौर के एक हॉस्टल में ला पटका तो उसे अंदाज़ा हुआ कि अपनी बचपन की आदतें ख़त्म करना इतना मुश्किल काम है। बस जो आराम और सुकून उसे घर में हासिल था यहाँ उसका तस्वुर ही मुश्किल था। वो पिछले 2 माह में यहाँ जो बर्दाश्त कर रही थी उसको उम्मीद घर में रखना उस जैसी लड़की के लिए नामुमकिनात में से था। आज भी सुबह सवेरे नींद ख़राब हो जाने पर बिना कुछ कहे उसने खामोशी से अपनी चादर मुंह तक फोड़ ली और उसकी रूममेट अलिशबा सुबह सवेरे उठकर नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक किया करती थी। यही वजह थी कि वो रात जल्द सोने की आदत थी, जबकि मनाइन जो कि शुरू से ही देर तक जागने की आदत थी तना बैठी मूवी देख लेती या यूनिवर्सिटी में काम करती। पिछले 2 माह में वो अलिशबा के साथ रह रहकर बोर हो गई थी, क्योंकि अलिशबा का ताल्लुक पंजाब के एक छोटे शहर से था, लिहाजा उसकी आदतें भी वैसी ही थीं। हॉस्टल में मनाइन की दोस्ती अपनी जैसी दूसरी लड़कियों से थी। शुरू में अलिशबा ने कोशिश की कि मनाइन उसी की तरह नमाज़ पढ़ा करे, लेकिन बचपन की आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा वो कुछ अरसे कोशिश करने के बाद खामोश होकर बैठ गई। सेमेस्टर के बाद होने वाले एक हफ्ते की छुट्टियों ने हॉस्टल को तकरीबन खाली कर दिया। जो लड़कियाँ लाहौर के क़रीबी शहरों से ताल्लुक़ रखती थीं वो अपने घर चली गईं। मनाइल के वालदैन अपने बेटे के पास लंदन गए हुए थे, लिहाजा मजबूरन मनाइल को यह हफ्ता हॉस्टल में गुजारना था। इसके अलावा ऐसी लड़कियां जो गैर ममालिक से ताल्लुक़ रखती थीं वो भी हॉस्टल ही में थीं, जिनकी तादाद काफ़ी कम थी। मनाइल क्योंकि शुरू ही से तनाई की आदी थी, घर में वो और उसकी ममा होती थी, लिहाजा उसे खुशी हुई कि अलिशबा के बगैर वो एक हफ़्ता मज़े से गुजारेगी। इसीलिए वो अपनी USB में मौजूद हॉरर फिल्में टीवी पर देख सकेगी। अलिशबा की वजह से उसे जल्द टीवी बंद करना पड़ता और वो ये फिल्में अपने लैपटॉप पर देखती, लिहाजा उसने इस रात अपने लिए कॉफ़ी तैयार की और उसे साइड टेबल पर रखा और ख़ुद बेड पर बैठकर फिल्म देखने लगी। इससे पहले उसने अपना कमरा लॉक कर लिया था ताकि कोई लड़की उसको आकर तंग न कर सके। उसने अभी आधी फिल्म ही देखी थी कि उसे महसूस हुआ कि कमरे का लॉक किसी ने आहिस्ते से घुमाया है, क्योंकि टीवी की तेज़ आवाज़ में भी उसे लॉक घूमने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दरवाज़े को देखकर हैरान रह गई, किसी ने दरवाज़ा खोला हुआ था। वो जब दरवाज़ा बंद करने गई तो देखकर हैरान रह गई कि किसी ने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया और लॉक भी कर दिया। वो अपने आप पर हंसी कि मनाइल बीबी अब ऐसा वक्त भी आ गया है कि तुम हॉरर फिल्म देख कर डरने लगी हो। वो बेड की जानिब पलटी और जैसे ही वो बेड पर पहुँची दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ दोबारा खुल गया। साथ ही हवा का एक तेज़ झोंका आया और उसे किसी ने धक्का दिया। एक सेकंड के अंदर मनाइन के सारे वजूद पर कंपकंपी तारी हो गई। वो ज़िंदगी में पहली बार इतनी खौफज़दा हुई कि उसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ ली हो और ना ही उसकी हलक से कोई चीख निकली। वो इसी हालत में साकित खड़ी थी कि इसी असना में हिबा कमरे में दाखिल हुई। उसकी फैमिली भी सऊदी अरब में रहती थी, लिहाजा वो भी हॉस्टल में रह रही थी। वो हैरत से मनाइल को देख रही थी। उसने कहा, ठीक है मनाइल, ये दरवाज़ा इस तरह खुला हुआ क्यों है? हिबा ने मनाइल का कंधा पकड़ कर हिलाया और मनाइल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई और है? ये डरावनी फिल्में देखकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा ना हो कि रात को अकेले में तुम्हें कुछ हो जाए, हिबा ने आगे बढ़ते हुए उसे कहा। मनाइल बोली, मेरा वहम नहीं है, मैंने दरवाज़ा लॉक किया था। और साथ ही उसने अपनी पूरी बात हिबा को बता दी। जैसे सुनकर वो कुछ देर खामोश रही और फिर सोचते हुए बोली, शायद नॉक घुमाते हुए तुमने खुद ही लॉक खोल दिया होगा। वैसे ही बारिश हो रही है, जिसके साथ कुछ देर कम तेज़ हवा भी चल रही थी, शायद इसी सबब तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुल गया होगा। बहरहाल तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे कमरे में आ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ कभी नहीं डरी। हिबा ना सिर्फ उससे सीनियर थी बल्कि वो पिछले 2 सालों से इस हॉस्टल में क़याम पजीर थी। इट्स ओके यार, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, शायद हॉरर फिल्म की वजह से मैं डर गई थी। मैं जा रही हूँ, फिर तुम अपना दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक कर लो। उनाइल को इजाज़त देती हुई वह वापस अपने कमरे में चली गई। टीवी और कमरे का दरवाज़ा दोनों बंद करके मुनाइल अपने बिस्तर पर आ गई। फिर शायद वो अच्छी तरह सोई भी ना थी कि कमरे में आने वाली किसी आवाज़ से उसकी अचानक आँख खुल गई। पहले तो मुनाइल की कुछ समझ ना आई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर अपने आवासों में वापस आई तो ये देखकर गुंग हो गई कि उसके कमरे में मौजूद टीवी चल रहा है जिसकी स्क्रीन पर रात वाली फिल्म मौजूद थी। एकदम खौफजदा होकर उठ बैठी, जिनजा भाग कर हिबा के कमरे में चली जाए, मगर हिम्मत ना हुई। तना कमरे से निकलकर कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर मौजूद हिबा के कमरे तक जाने का सोचकर वो कपकपाते कदमों के साथ आगे बढ़ी। सबसे पहले उसने कमरे की लाइट ऑन की, फिर रिमोट की मदद से टीवी बंद किया। और ये मुनाइल की ज़िंदगी में आने वाला पहला दिन था। उसने बिस्तर पर बैठकर लरसते हुए मुसलसल दुआ कर रही थी कि जल्दी से अजान हो जाए ताकि फजर की नमाज की अदायगी के लिए हॉस्टल में कुछ चहल पहल हो तो उस कमरे से निकल कर हिबा के कमरे की तरफ जा सके। अगले दिन मुनाइल अपने साथ होने वाली बातों को तकरीबन भूल गई और हिबा के साथ शॉपिंग के लिए करीबी मार्केट चली गई। इसका पूरा दिन सुकून से गुजरा। फिर दोनों फूड स्ट्रीट गईं। वहाँ खाना खाकर जब रात 11 बजे हॉस्टल वापस आएँ तो पूरा हॉस्टल तारीख अंधेरे में डूबा हुआ था और वो एक भूत बंगला दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर कमरे लड़कियों की गैर हाजिरी की बदौलत खाली थे, इसलिए उनमें अंधेरा छाया हुआ था। इक्का दुक्का कमरे जो आबाद थे उनमें भी रोशनी गुल थी, शायद वो भी सो चुके थे या फिर कहीं बाहर निकले हुए थे। गेट पर मौजूद मुर्दा से जर्द बल्ब की रोशनी में चौकीदार ने उन दोनों को देखते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दोनों अंदर दाखिल हो गईं, क्योंकि उनके कमरे सेकंड फ्लोर पर थे, इसलिए वो सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आते ही सामने वाले पहले कमरे के दरवाजे पर हिबा रुक गई, क्योंकि ये उसका कमरा था। हिबा ने दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाते हुए मुनाइल को मुखातिब किया, मेरा ख्याल आज तुम यहाँ सो जाओ। मेरे कमरे में नहीं यार, मुझे अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती, मुनाइल ने जवाब दिया और तेज़ी से अपने कमरे की जाने रवाना हो गई। हिबा ने उसे हिदायत की थी कि जब वो कमरे में दाखिल हो तो वो आयतुल कुर्सी का 3 दफ़ा विट कर ले, मगर यह उसकी रूटीन लाइफ का हिस्सा नहीं था, इसलिए हस्ब आदत वो भूल गई और अंदर दाखिल होकर अपने कमरे को लॉक कर लिया और कपड़े चेंज किया। और क्योंकि सुबह से थकी मांदी वापस आई थी, लिहाजा लाइट ऑफ करके फ़ौरन ही सोने के लिए लेट गई और बहुत जल्द नींद की वादी में उतर गई। और वो गहरी नींद के ज़ेर असर ही थी कि जब अचानक उसकी आँख खुल गई। मुनाइल ने मुश्किल अपनी बूंदी हुई आँखें खोल कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि रात के इस पैर इसकी आँख खुलने की वजह कमरे में जनरल लाइट बल्ब की मखसूस रोशनी थी, जो हमेशा उसकी नींद डिस्टर्ब करने का बायस बनती थी। उसे सोचने पर भी याद ना आया कि बल्ब रात उसने जलाया था, क्योंकि वो तो हमेशा मुसलसल अंधेरे में सोने की आदत थी। फिर ये बल्ब कैसे जला, ये सवाल जहन में आते ही उसकी गहरी नींद 1 सेकंड में उड़ गई। इसलिए इसने लेटे लेटे ही करवट बदल कर पूरे कमरे का जायज़ा लिया तो पता चला बाथरूम का दरवाज़ा और लाइट भी ऑन है, इसीलिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि बाथरूम में कोई है, जबकि इसी कमरे की चाबी सिर्फ अलिशबा के पास ही थी। तो क्या अलिशबा वापस आ गई? ये ख्याल दिमाग में आते वो ख़तरे मुतमईन हो गई और फिर भूल गई कि अलिशबा के वापस आने में अभी थोड़े दिन बाकी थे। वो इन्हीं सोचों में गिरी थी जब बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर वो बाहर निकली। मुनाइल ने गहरी नींद में डूब कर अपने आवाज़ बरकरार रखते हुए देखा नमाज के मखसूस दुपट्टे में मलबूस यकीनन वो अलिशबा ही थी। उस एहसास के साथ कि अलिशबा वापस आ गई है एक इत्मीनान सा उसके दिल में उतर गया। तो आंखों तक चादर ओढ़ कर वो दोबारा नींद की आती में खो गई। सुबह इतवार था, वो जाने कितनी देर तक सोती रही जब हिबा ने आकर उसे जगाया, क्योंकि वो मुनाइल साथ नाश्ता करने कहीं बाहर जाना चाहती थी। उठ जाओ यार, इतना सोना है, 12 बजने वाले हैं कि आवाज़ सुनकर मुनाइल ने अपनी बूंदी व आँखें खोली। और ये तुमने रात दरवाज़ा लॉक नहीं किया था? मुनाइल को जागता हुआ देख कर हिबा ने फ़ौरन सवाल किया। दरवाज़ा खुला था। मुनाइल उसकी बात सुनकर चौंक गई तो उसे कुछ याद आया कि वो अपने बाल समेटते हुए बोली, मैंने लॉक किया था, लेकिन रात चूँकि अलिशबा वापस आ गई थी तो शायद उसने खोला छोड़ दिया हो। बात सुनकर हिबा ने पूरे कमरे का अच्छे से जायज़ा लिया। अलिशबा ने तो अगले संडे को वापस आना था, तुम शायद भूल रही हो। हाँ, लेकिन वो रात यहाँ आई थी, मैंने उसे खुद देखा था नमाज़ पढ़ते हुए। और ये नाइट बल्ब भी उसी ने ऑन किया था। हिबा ने देखा कमरे में नीले बल्ब की रोशनी अभी भी फैली हुई थी। लगता है कि तुम्हें तो वहम हुआ है, तो गलीबा आफत नहीं आई। और अब तो उठ कर रेडी हो जाओ, तो आज अनारकली नाश्ता करने चलते हैं। अपनी बात ख़त्म करके वो दरवाजे की सिम पड़ी थी कि उसे मनाइल ने आवाज़ देकर रोक लिया। मुझे वहम नहीं हुआ यार, रात इस कमरे में वाकई मैंने उसे खुद देखा था। और ख़ुद देखो, सामने कुर्सी पर जायनमाज़ भी रखी हुई, जबकि मैं तो सुबह उठ कर नमाज भी नहीं पढ़ती। आखिर जुमला कहते वो धीरे धीरे में शर्मिंदा भी हो गई कि मैं पलट कर उसे देखा। मनाइल के चेहरे पर छाई परेशान उलझन इस बात का सबूत थी कि वो सच बोल रही थी। फिर उसने दिली दिल में एक फ़ैसला किया और बोली, ऐसा करो तुम मेरे कमरे में आओ, हम दोनों मिलकर वार्डन के पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि रात को कोई तुम्हें तंग कर रहा है। यकीनन इस कमरे की एक तीसरी चाबी भी होगी जो इस हॉस्टल की वार्डन के पास होगी। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं? हाँ यार, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। इस हॉस्टल में मौजूद कोई लड़की या मुलाजमत तुम्हें सता रही है जिसका मकसद तुम्हें खौफजदा करके एंजॉय करना है। तो फिर ठीक है, ऐसा ही है तो फिर वार्डन से मिलने ज़रूर जाएंगे। बोल के आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ, तो हम दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं जो ये फजूल हरकतें कर रहा है। नहीं यार, मेरा ख्याल है कि अपने कमरे में ही रहो ताकि किसी शक ना हो कि तुम मोहतात हो गई हो। अलबत्ता अगर तुम अपने कमरे में गैर ज़रूरी बात महसूस करो तो मोबाइल से मुझे मिस कॉल कर देना, मैं फ़ौरन पहुँच जाऊँगी। फिर मिलकर हम दोनों उस ट्रेल को वार्डन के पास ले जाएंगे। हिबा हंसते हुए बोली, और ये फ़ैसला ये उन दोनों की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका एहसास उसी रात उन दोनों को बहुत शिद्दत से हुआ। आज जब मनाइल बहुत मुतमईन थी, सबसे पहले उसने अच्छी तरह दरवाज़ा लॉक किया, फिर टीवी पर अपनी पसंदीदा हॉरर फिल्म लगा ली। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि आज मूवी में पहले जैसा मज़ा नहीं रहा। ये सोचते हुए मनाइल ने टीवी बंद किया, लाइट ऑफ किया और सोने के लिए लेट गई। क्योंकि उस वक्त वो पिछले कई दिनों से टेंशन से आज़ाद हो चुकी थी, इसलिए बेफिक्र होकर नींद की गहरी आदमी में उतर गई। जब अचानक किसी ने उसके पाँव के अंगूठे को पकड़कर ज़ोर से हिलाया। एकदम मनाइन की आंख खुल गई तो उसने देखा कि कमरे में फैली तारीकी में कोई भी ना था। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था क्योंकि अभी अभी वो नींद के ज़ेर असर थी। लिहाजा उसने चाहा कि आंखें बंद करके दोबारा सो जाए। जब अचानक उसके आवाज़ बहाल हुए, उसे महसूस हुआ अंधेरे में कोई सांस ले रहा है। एक तो कमरे में अंधेरा था और इस पर तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ें। मनाइल बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से उठ बैठी। वो हिबा को मिस कॉल देना ही भूल गई। इस पल तो उसे अपनी सांस भी घुटती हुई महसूस हुई और चाहते हुए भी वो बेड से नीचे ना उतर पा रही थी। वो वक्त था जब उसने अंधेरे में उसे अपने सामने खड़े हुए देखा। एन उसके सामने बेड की पैंती की जानिब अपने बाल खोले खड़ी एक अजनबी लड़की यकीनन अलजबा ना थी। सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल खामोश खड़ी वो लड़की से घूर रही थी। मनाइल ने चाहा बेड से छलांग लगाकर दरवाज़ा की समत भाग जाए, मगर उसका वजूद जैसे किसी ने अपने हिसार में ले रखा था। मनाइल को तो अपने बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। उसे अफसोस हुआ कि हिबा की हिदायत के बावजूद उसने रात आयतुल कुर्सी क्यों ना पड़ी, जबकि अब तो वो मारे खौफ के कलमा भी भूल चुकी थी। इसी पल अचानक उसके तकिए के नीचे रखा हुआ फ़ोन बज उठा। ये यकीनन हिबा कर रही थी। फ़ोन के बजते ही अचानक मनाइन होश में आ गई और तेज़ी से पलटकर तकिए के नीचे हाथ डालकर अपना मोबाइल निकाला। और यही वो वक्त था जब सामने खड़ी लड़की अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो थी ही नहीं। दूसरी तरफ मनाइन का फ़ोन भी डिसकनेक्ट हो गया। उसने जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाया, शायद वो मनाइन को फ़ोन कर रही थी। मगर अब कमरे में रुक कर हिबा से फ़ोन पर बात करना बेकार था। यही सोचते हुए तेज़ी से बेड से नीचे उतर कर दरवाजे की सिम पड़ी। अचानक किसी से टकरा कर वो मुँह के बल फर्श पर गिर पड़ी और अंधेरे में मोबाइल उसके हाथ से दूर जा गिरा। उसने वह मुश्किल गर्दन उठाकर देखा, सामने कोई भी ना था, जबकि एक मिनट पहले ही वो किसी सख्त वजूद से टकराई थी और ज़मीन पर गिर पड़ी थी। उसके कमरे में मौजूद नाइट बल्ब जल उठा, साथ ही टीवी की स्क्रीन भी ऑन हो गई और इस पर चलने वाली मूवी की आवाज़ सदत तेज़ हो गई। मनाइल को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। उसका दिल चाहा वो ताड़े मार मार कर रोए। खौफ से उसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। एकदम ही तारीखी होने वाली लड़की अचानक सामने आ गई। एक बार फिर उस तरह नमोदार हुई कि बावजूद कोशिश के मनाइल उसका चेहरा न देख सकी। अलबत्ता कमरे में पहले से ज़्यादा ठंडक हो गई और रोशनी को ज़्यादा तेज़ हो गई। वहाँ तेज़ होने वाली रोशनी ने भी उसे हिम्मत दी उसने वह मुश्किल अपने वजूद को घसीटते हुए उठने की कोशिश की ताकि वो लड़की का चेहरा देख सके जो बालों में छुपा हुआ था। यही मुनायन की बहुत बड़ी गलती थी कि जैसे उसने बालों के अंदर छुपा चेहरा देखना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि लड़की के पास चेहरा ही नहीं था, उनके सर पर सिर्फ बाल ही बाल थे जो इस कदर खौफनाक लग रहे थे कि बेसाख्ता ही मुनायन के अलग से तेज चीख निकली और उसके साथ ही वो ज़मीन पर दोबारा गिर के बेहोश हो गई। मुनायन को कुछ भी याद ना रहा, उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता बेजान हो गया। उसके साकित पड़े वजूद में थोड़ी सी जुम्बिश महसूस करते ही मलाइका यानी मुनायन की माँ के तने मुर्दा में गोया जान आ गई। आज इतने दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुनायन जिंदा है। इस एहसास के साथ ही मारे खुशी के चीख उनके अलग से बरामद हुई और वो अपनी जगह से उठकर अपनी बेटी के सराहने आकर खड़ी हो गई। पानी, मुनायन ने सूखे लबों पर जबान फेरते हुए कहा और अपनी नर्स की मदद से माँ ने खतरा खतरा पानी उसके अलग में उतारा और वो जो अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी तकरीबन मायूस हो गई थी, आज एक बार फिर से अल्लाह की अता की खैर हो गई। यह एहसास पिछले 15 दिनों में मुनायन की माँ को कई बार हुआ कि वो उसकी 40 साल ज़िंदगी में 15 दिन थे जिसमें उसने अल्लाह को बेशुमार मरतबा याद किया था। कई सालों बाद नमाज भी पढ़ी थी और रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी बेटी की ज़िंदगी की दुआ की थी तो बारगाह इलाही में कबूल हो गई, वरना डॉक्टर ने तो इन्हें यह कहकर मायूस कर दिया था कि इसे अनजाने खौफ ने मुनायन के दिमाग को मखलूस कर दिया और शायद वो कभी कौमे की कैफे से बाहर ना निकले। इस हालत में उसे कई साल भी लग सकते थे, कई माह भी। और ये वाहिद अल्लाह की रहमत थी कि उसने चंद दिनों में मुनायन को होश में ले आई और वो ज़िंदगी की तरफ लौट गई। और आज जब हिबा और वार्डन के साथ अलिजबा भी उसे मिलने आई तो मुनायन को पता चला कि उस दिन उसकी चीख की आवाज़ सुनकर जब हिबा भागी हुई इसके कमरे में आई, वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी जबकि इसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, टीवी चल रहा था। उन्हें पहली ठंडक बाहर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऐसे में तेज़ आवाज़ के साथ ऐसे गुस्से पड़ते हुए वो नीचे दौड़ी और वार्डन की मदद से मुनायन को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वो पूरे 15 दिन बाद होश में आए। और फिर वार्डन आंटी के मुँह से ये सुनकर हैरान रह गई कि उसके कमरे में जिसमें मुनायन रिहाइश पजीर थी, आज से कुछ साल पहले रहने वाली लड़की ने खुदकुशी की थी, जिसकी वजह आज तक किसी को मालूम ना हो सकी। अलबत्ता वहाँ रहने वाली लड़कियाँ अक्सर डर जाया करती, जबकि पिछले 2 साल से अनिबा उस कमरे में रह रही थी और इस दौरान वो कभी ना डरी और ना ही खौफजदा हुई थी, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज़ी थी और रोज़ाना तिलावत कुरान पाक किया करती थी। और वापस जाते जाते वार्डन को कुछ याद आया और वो बोली, हाँ, जिस लड़की ने वहाँ खुदकुशी की थी उसका नाम भी है मुनायन।